हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। देखिए, डिग वंस ऑन ग्रेव मतलब टू डू समथिंग दैट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर यू, मतलब अपनी ग्रेव खुद खोदना। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा कार्य करना जिससे नेगेटिव अपने को परिणाम मिले अपने खुद के लिए, ठीक है? ऐसा करना जिससे अपने खुद के लिए नेगेटिव हो। इन बैड वे मीन्स टू वर्क विद ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग इन्वॉल्व विद, ठीक है? इन बैड विन मतलब किसी पर्सन के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करना, किसी के साथ इन्वॉल्व होना होता है इन बैड विन। द टू यंग मैन वर इन बैड विन द नेवरहुड गैंग्स। थर्ड है फुट इन द डोर सक्सेड विद ए फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में सफलता मिल गई, मतलब फुट इन द डोर, डोर पे ही पाँव रखते, ठीक है? मैरी वाज सो एक्साइटेड टू गेट हर फुट इन द डोर विद हर न्यू इंटर्नशिप। इन वंस ब्लड इन नेचुरल और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वंस ब्लड का मतलब क्या है? नेचुरल या इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। सिंगिंग इज नीनाज ब्लड। फिफ्थ है ऑन द लाइन मतलब टू बी एट सीरियस रिस्क, किसी सीरियस रिस्क पर होना, लाइन पर होना बिल्कुल। पुट योर टोज ऑन द लाइन एंड फॉर्म अप, ठीक है? मतलब बिल्कुल पुट योर टोज ऑन द लाइन एंड फॉर्म अप। रिपीट कीजिए साथ में, डिग वंस ऑन ग्रेव टू डू समथिंग दैट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर यू। सेकेंड है इन बैड विद टू वर्क विद ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और बींग इन्वॉल्व विद। फुट इन द डोर सक्सीड विद द फर्स्ट स्टेप। इन वंस ब्लड इन नेचुरल और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन द लाइन टू बी एट सीरियस रिस्क। थैंक यू।